बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो पंजाब पुलिस के अंदर ड्राइवर कांस्टेबल भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। पंजाब कांस्टेबलान यहां पर मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब कांस्टेबल में ड्राइवर कांस्टेबल स्केल नंबर 7 बमा मरवजा अलाउंसेस की खाली असामियों पर भर्ती के लिए नीचे दिए गए अजला की सकूनती उम्मीदवार से मंदरजा झील शेड्यूल के मुताबिक फार्म पर दरख्वास्तें मतलूब हैं। अच्छा, यानी कि फ़ार्म फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद मैं आपको बता देता हूँ कि 21 से 30 साल है, और इसके बाद कद है बराए मर्द उम्मीदवार के लिए कम से कम 5 फुट 7 इंच, बराए ख़वातीन उम्मीदवार के लिए कम से कम 5 फुट 2 इंच है। छाती होनी चाहिए कम से कम 33 से 34, सिर्फ मर्द उम्मीदवार के लिए यानी कि 33 से 34 होनी चाहिए, यानी कि हवा भर के उसके अंदर, जब छाती के अंदर हवा भरते हैं ना, तो उस वक्त उसकी फुला के छाती 34.5 से ऊपर ही हो, इससे कम ना हो। उसके बाद है सुकूनत उम्मीदवारान का लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, सिरी, उसके बाद फैसलाबाद, जंग, ये सारे के सारे ज़िले लिखे गए हैं। विहाड़ी अजला का सुकूनती डोमिसल होना, शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है, ठीक है। उम्र की 21 से 30 साल है तो शनाख्ती कार्ड सबका होना चाहिए। उसके बाद है तालीम, मंजूरशुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हाई सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी है, यानी कि मैट्रिक तक क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद है दौड़, बराए मर्द उम्मीदवारान 1.6 किलोमीटर दौड़ 7 मिनट में तय करना होगी, 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर, बराए ख़वातीन उम्मीदवार 1.5 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना होगी। ड्राइविंग लाइसेंस तजुर्बा, ड्राइविंग लाइसेंस LTV ड्राइविंग लाइसेंस हो, LTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद 2 साल तजुर्बा, उम्मीदवार का ड्राइविंग टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट और हाईवे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट लिया जाएगा जब वो अपना फिज़िकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब अप्लाई किस तरह करना है, ये ऐड तो हमने पढ़ लिया, अप्लाई का प्रोसेस क्या है, उसमें सबसे पहले आप पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल में जाकर लिखेंगे www.punjabpolice.gov.pk, यहाँ से आप लोगों ने फार्म डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड नहीं करना आता तो वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के आखिर में। अच्छा, अब फार्म डाउनलोड कर लिया, दरख्वास्त फार्म बमा तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी असनाद ज़रूरी कागजात और मुबल्लिग 200 रुपया, फार्म फीस मोरखा 15/9/2024 ता 29/9/2024 तक पंजाब कांस्टेबल के मंदरजील दफातर में जमा करवा सकते हैं। लास्ट डेट यहां से पता चली कि 29/9/2024 है, उस वक्त तक आप फार्म जमा करवा सकते हैं और उस फार्म के साथ तमाम तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स अटैच लगाने हैं। नंबर एक है दफ्तर पंजाब कांस्टेबलरी या हेड क्वार्टर फारूकाबाद, ये सारे के सारे दफ्तर वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं कि जहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवानी है, ठीक है। फारूकाबाद में हेड क्वार्टर फारूकाबाद है, और उसके बाद दफ्तर कमांडर पीसी और नंबर 2 पे फारूकाबाद यानी कि अब्बास लाइंस लाहौर है, उसके बाद नंबर 3 पे है ये मेरे ख्याल में रावलपिंडी है, और उसके बाद मुल्तान में भी है दफ्तर कमांडर पीसी लाइन नंबर 3 मुल्तान, और दफ्तर हेडलाइन कमांडर पीसी ये फैसलाबाद है। तमाम के तमाम यहाँ पर ज़िले बताए गए हैं जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर इनका दफ्तर है। भर्ती शेड्यूल के मुताबिक मालूम दफ्तर कमांडर पंजाब कांस्टेबल फारूकाबाद से हासिल की जा सकती है। अच्छा, उम्मीदवार को कद, छाती, तालीम, उम्र और तजर्बे वगैरह में कोई रियायत ना दी जाएगी, ठीक है, किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। सरकारी नीम सरकारी इदारों के मुलाजिम अपना फार्म दरख्वास्त महकमाना तवसुत से आखिरी तारीख से कबल जमा करवाएँ। अकलीती उम्मीदवार के लिए 5% कोटा मुख्तस होगा, ख्वातीन उम्मीदवार के लिए 15% होगा कोटा, 10% साबका फौजियों के लिए मुख्तस होगा, और उम्र उम्मीदवार की मौजूदा उम्र से अगर फौज की मुद्दत मुलाजमत मनहा की जाए, ठीक है, तो उसके बकिया उम्र 25 साल या इससे कम होनी चाहिए, अलावा अज़ मौजूदा उम्र 40 साल से ज़्यादा ना हो और उसे रिटायर्ड हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा ना हो, और
वो अहलकार जो तबई बुनियाद पर या किसी भी रुकावट की वजह से फौज से बर्खास्त या रिटायर्ड हुए हों, वो दरख्वास्त देने के मजाज नहीं है। उम्मीदवार का दौड़ कद छाती की नुमाइश, ड्राइविंग टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लिया जाएगा। कौन कौन से टेस्ट होंगे? सबसे पहले देखें, फिज़िकल टेस्ट होगा जिसमें उसका दौड़ और कद छाती की नुमाइश और ड्राइविंग टेस्ट। अच्छा, ये फिज़िकल टेस्ट हो गया छाती की नुमाइश तक, ये फिज़िकल टेस्ट। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा जिसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, सॉरी ड्राइविंग टेस्ट भी फिज़िकल टेस्ट में आता है। उसके बाद तहरीरी इम्तिहान जो है ना, ये रिटन टेस्ट में आता है, और इंटरव्यू होगा। वो उम्मीदवार जो पुलिस फैमिली क्लेम की बुनियाद पर इजाफी नंबर लेना चाहते हैं, वो अपने क्लेम से मुतल्लिका तमाम कागजात जैसा कि पेंशन बुक हो गया, रिटायरमेंट ऑर्डर की कॉपी वगैरह अपनी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करेंगे। तमाम उम्मीदवारों को बयान हल्फी जमा करवाना होगा। वो किसी किस्म के FIR या मुकदमा में मतलूब ना हैं। गलत बयान हल्फी जमा करवाने की सूरत में उम्मीदवार को पुलिस में भर्ती के लिए नाअहल करार दिया जाएगा, बल्कि कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, ये बात मैं आपको अगर बता दूं, अगर किसी भी मरहला पर उम्मीदवार की तालीमी इसनाद, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड, सर्टिफिकेट वगैरह की पड़ताल के दौरान कागजात जाली या गैर तस्दीकशुदा पाए गए, तो उम्मीदवार की भर्ती मंसूख कर दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई अलहदा होगी। अच्छा, इब्तदाई तौर पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवार सिक्योरिटी क्लियरेंस मेडिकल बोर्ड के रूबरू पेश होंगे, और पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ दो उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जो दौड़ और जिस्मानी पैमाइश के अहल होंगे, जिनकी दरख्वास्तें मुकम्मल पाई जाएंगी। उम्मीदवार को इंतखाब के मुताबिक मुख्तलिफ मराहल में किए जाने वाले किसी किस्म के अखराजात की अदायगी ना की जाएगी। ठीक है, इसके यानी कि ये तमाम के तमाम आपने ये एडवर्टाइजमेंट उनका पढ़ लेना है, फिर जाकर अप्लाई करना है, अपना फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट साथ लगा के पुलिस क्लियरेंस 15 जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाना है, और उसके साथ साथ आपने अपने मुतलका ज़िला के अंदर ये फाइल जमा करानी है 29 तारीख से पहले पहले। तो फिर आपका एक महीने के अंदर अंदर टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, फिज़िकल टेस्ट भी होगा, और तहरीरी टेस्ट भी और इंटरव्यू भी होगा। मैट्रिक वाले तमाम के तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्केल नंबर 7 है, ठीक है। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इसमें सिर्फ आपको मैंने ये बताया कि पंजाब कांस्टेबल के अंदर जॉब्स, कांस्टेबल्स में जॉब आ गई हैं, आप वहाँ पर अप्लाई करें जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।